अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे भी होंगे, खुश होंगे। और कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपने रहम करम से उन तकलीफों को खत्म करेगा और हर एक का घर पूर्ण पूर्ण सुकून बनाएगा इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले, जिसके लिए लगने वाली चीजें मैं आपको बता रही हूँ। दही बल्ले तो सब बनाते हैं, मगर ये मेरा तरीका है। आप देखो, आपको अच्छा लगा तो आप जरूर बनाओ। ये उड़द दाल है, उड़द दाल पाउंड कप, तो पाव कप कप मूंग दाल, ये तीन तीन घंटा हुआ भिगा के रखी हूँ। ज्यादा भिगाए तो चलता है, मगर तीन घंटे से कम मत भिगाओ, जिससे वो हल्के और अच्छे आते हैं। ये है इमली भीगने डालनी, इमली की चटनी के लिए। एक खजूर है चटनी के लिए इमली के। और जैसे जैसे मैं सब बना रही हूँ, वैसे वैसे मैं आपको चटनी वगैरह का दिखा रही हूँ। मैं आज दो तरह की चटनियां बना रही हूँ, जो अपने हर चटनी, ये दोनों चटनी हर काम आती है। दही बल्ले की भी काम आती है, पानी पूरी, दही पूरी, बहुत सी चीजों के काम आती है। मीठी चटनी के लिए ये है इमली भीगी हुई, एक खजूर भीगा हुआ है, इसमें जो जो जाएगा मैं आपको बता रही हूँ। ये कोतम्बीर है हरी चटनी के लिए, एक करी पत्ता है। अगर किसी को करी पत्ता अच्छा ना लगता उन्होंने कट कर दो, मगर मुझे बहुत पसंद है। और ये पुदीना है, ये लहसुन है, ये मिर्ची है। अब इसमें भी कैसा कर रही हूँ वो भी आपको दिखा रही हूँ। ये खजूर पहले पीसने डाल रही हूँ, ये भीगा हुआ, एक घंटे भीग गया है। ज्यादा भीग गए तो भी चलता है, रात भर भीग गए तो भी चलता है, मगर मेरा भीग गया, नरम हुआ, इसलिए मैं मिक्सी को लगा रही हूँ। ये अपनी चटनी बारीक हो गई, इसको छलनी पे छल रही हूँ। एक खजूर बारीक हुआ, हाँ खजूर बोलने के बदले से चटनी बोली थी, रोजे में थोड़ा अफला तफरी हो जाता है, ऐसे भी होती है मुझसे, भूल करूँ। अब बना रही हूँ इसी गिलास में इमली की चटनी। हाँ, इमली भी बारीक हो गई, एकदम फाइन दोनों हुआ है, मगर फिर भी मैं छलनी पे छान रही हूँ, क्योंकि कुछ कचरा वगैरह हो तो निकल जाए, है तो कुछ नहीं, क्योंकि धोधा के मैंने भीगने डाली थी। ये देखो, आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं हाथ धो के लेती हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। अब इसको ऐसा छल के निकालूंगी। ये देखो, इसका दरदरा रहा है ना, वो दोबारा मिक्सी को लगाऊंगी और उसको भी छाल के लूंगी, क्योंकि अच्छा रहता है, इसमें खराबी कुछ भी नहीं, ना कचरा है ना कुछ है, ना थोड़े टुकड़े हैं खजूर के और थोड़े इमली के टुकड़े, उसको दोबारा लगा के लूंगी, फिर जो ऊपर का रहेगा ना वो फेंक दूंगी। ये देखे, इसका भी कितना अच्छा पेस्ट हो गया। ये देखो, ये उसका सब निकल गया, ये फेंक दूंगी, बाकी लिया मैंने, ये इतना पेस्ट निकला, ये इधर भी है। हाँ, अब जो उसके साथ करे वो दिखा रही हूँ आपको। इस चटनी को पका रही हूँ, ये अच्छे से पके और रहे तो 6 महीना अच्छे से फ्रिज में ऊपर रखती हूँ, 6 महीना रहती है, इसके ज्यादा रखी नहीं हूँ, रहती भी होंगी और भी। अब इसे पकने रखी हूँ, क्या क्या डाल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इसमें आधी चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, इसमें पाव चाय की चम्मच सूट का पाउडर डाल रही हूँ, अदरक का पाउडर, चुटकी भर काली मिर्ची डाल रही हूँ। मेरे पास पिंक कलर का नमक है, वो मैं पिंक कलर का डाल रही हूँ, आपके पास सादा हो या अपना काला नमक तो वो डालो, नमक हसबे जायका, पाव चम्मच से कम, एकदम छोटी सी चम्मच रहती है, वो हींग डाल रही हूँ इसमें। आप टेस्ट करके देखो, हम तो रोजे में नहीं कोई टेस्ट करता, मगर शाम को टेस्ट कम ज्यादा हो तो फिर दोबारा पका के डाल लेता, मगर पका के डालने से रहती है, और अगर उसी टाइम आपको खाने हैं तो कुछ ऐसे पकाने वकाने की उतनी
अच्छे से जरूरत नहीं रहती, मगर ये बहुत है तो मेरी रहेगी, इसलिए मैं उसे अच्छे से पका रही हूँ। ये 2-3 महीना तो चलेगी हमारी, इतना कोई खट्टा खाता नहीं, मगर ये खट्टी मीठी बहुत टेस्टी चटनी रहती है। अब एक गाढ़ी होने तक इसे पकाऊंगी और टेस्ट करो कि अपनी चटपटी भी तीखी फीकी यानी खट्टी मीठी चटनी कैसी बनी है। अगर आपको कुछ बदल सदल करना है तो आप कर सकते हो, गुड़ की जगह शक्कर डाल सकते हो, खजूर न डाले तो शक्कर ज़्यादा डाल सकते हो, मगर हो सके मैं हेल्थ का सोचती हूँ और खजूर डालती हूँ, गुड़ डालती हूँ, शक्कर से तो थोड़ा बहुत बेहतर है ना गुड़। ये देखो 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ टेस्ट आती है इससे। पक रही चटनी तो मैं हरी मिर्ची की चटनी कर रही हूँ, वो भी आपको बंद करती हूँ और फिर इसको ठंडी करने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। 6 महीने तक उसको कुछ नहीं होता। अपनी चटनियाँ हो गई है रेडी। अब मैं दही बल्ला दिखा रही हूँ कैसे बनाते। ये मूंग की दाल जो मैंने आपको पहले दिखाई, अभी भी एक बार धो के ली थी, 4 बार धोई थी और धो के ली थी। ये पहले मूंग दाल पिसवा रही हूँ, फिर उसी में और दाल डालूंगी। इसी दाल में उड़द दाल डालूंगी। मूंग दाल पहले डाली क्योंकि मूंग दाल पीसने में थोड़ा टाइम लेता है। अब ये दोनों दाल एकदम बारीक पीसूंगी और ज़रा सूखी सूखी पीसने की, यानी अपने दही बल्ले में तेल खींचा नहीं जाता। और इसमें अगर आपको थोड़ा तीखापन हो तो हरी मिर्ची एक डालने की, नहीं तो फिर अपने काली मिर्ची का पाउडर डालने का, कुछ भी अपने को टेस्ट जो है वो डालने का। मैं काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा डालती हूँ। अगर आपके पास पाउडर किया हुआ नहीं है तो काली मिर्ची पीसने में ही डालने की 4। ये देखो अपनी हो गई दाल दोनों पीसकर। पानी कम, बहुत कम, ना के बराबर डालने का। अब इसमें ली हूँ क्योंकि इसको मैं पेटूंगी, यानी बहुत सा लगूंगी उसे, उसकी अच्छे से चमती करने की, मगर एक साइड से अच्छी ऐसे, हाँ दूसरे साइड से नहीं, ऐसे सीधा। और फिर मैं दिखा रही हूँ उसमें क्या क्या डाल। इसको इतना फेटा, इतना मठा कि सफेद हो गया, जरा पीला पीला था ना वो सफेद, और हल्का हल्का हाथ को आता है फिर, और एक साइड से मिटने का, दूसरे साइड से नहीं। अब इसमें डालूंगी, आपको चाहे तो डालो नहीं तो ऐसे ही तलो सरसों से नमक डाल के। ये देखो इसमें डालूंगी मैं काली मिर्ची का पाउडर 1/4 चाय की चम्मच, और हींग डालूंगी 1/4 चाय की चम्मच से कम, जिससे अपने को गैस वगैरह नहीं होता, क्योंकि उड़द की दाल ना बहुत हेवी रहती है। अब जाएंगे इसमें नमक, नमक अपने जायके के मुताबिक। इसको अब मिक्स करूंगी, मिक्स करूंगी वो भी उसी साइड से जिस साइड से मैंने अभी मठी थी। एक लीटर दही है, उसमें से थोड़ा सा दही मैं निकाल रही हूँ और सब दही लूंगी। जितना दही अच्छा होता है उतना खाने में अच्छा लगता है, ये सब दही लूंगी। इसको मैं मिक्सी में नहीं लगाती, कोई कोई मिक्सी में लगाती क्योंकि पतला होता है, मैं ऐसे उसको फेंकती हूँ चमचे से, एकदम पानी जैसा फिर वो होता है, जरा गारा गारा अच्छा लगता है। अब इसमें जाएगा शक्कर 2 टेबल स्पून, ये 3 चम्मच डालूंगी तो 2 टेबल स्पून बनते हैं, 1, 2, 3। अगर आपको चाहे तो उसमें शहद भी डाल सकते हो, शक्कर नहीं खाने वाले हो तो। मैं शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट लगता है शक्कर से, मालूम है शक्कर अच्छी नहीं चीज, मगर क्या करें। ये नमक डाली, मैं पिंक कलर का नमक डाल रही हूँ, आप घर का हो तो भी वो चलता है। इसमें नमक शक्कर डाली और 1/4 चम्मच चाय की चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच से भी कम। हाँ, और गारा पतला दही आप अपने हिसाब से लो, मैं आपको डालते वक्त दिखाऊंगी कि मैं कौन से इसमें लेती हूँ पतला गाढ़ा। अब इसको फ्राई करोगे
हमने दिखाई मैं क्या क्या डालती हूँ, आप चाहे तो कुछ भी मत डालो, सिर्फ नमक डालो, मगर मैं डालती हूँ जिससे टेस्ट अच्छा था। मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ, आपको चाहे तो आप बड़े डालो। हाँ, आपको और फ्लेवर के लिए कुछ चाहे, जीरा पाउडर और कोतम्बीर और हरी मिर्ची, तो आप इसके डाल सकते हो, अक्खी भी डाल, मगर मैं नहीं डालती। और मैं चटनी में भी कोई भी मसाले नहीं डालती, सिर्फ थोड़ा लाल पाउडर डालती, मगर वो चटनी आप करके एक बार थोड़ी सी करो और खाओ, अच्छी लगी तो वैसे ही करो, नहीं तो फिर आप जीरा वगैरह डाल के करो। हमें बहुत पसंद आती है चटनी, ये चटनी कोई भी भज्जी वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये भज्जी में भी कभी कभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा से प्याज डालती हूँ, थोड़ी कोतम्बीर डालती हूँ, थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ा जीरा, ऐसे सब डालती हूँ, और दरदरा अपना इसका मिर्ची पाउडर, और उसको तलती हूँ। वो भी सिर्फ ऐसे ही खाने में भी अच्छे लगते हैं। अपने तल के हो गए बड़े, अब इसको थोड़ा ठंड होने दूंगी और आधा घंटे पानी में रखूंगी, फिर मैं आगे का आपको बता रही हूँ। पता है मीडियम आग पे तलने का, यानी कच्चे नहीं अंदर रहते, और इतने हल्के आए हैं कि पूछो मत, एकदम हल्के, गोल गोल फिरे, डालते ही वो खुद से अपने आप को होने के बाद पलट रहे, ऐसे हल्के आए, क्योंकि इसको फेंटना अच्छा होता है, बाकी कुछ नहीं इसका, फिर सब अच्छे हो जाते हैं। और फ्लेवर के लिए आप जो भी चाहे डाल सकते हो, मुझे ऐसा ही, मैं जो बनाई वही हमेशा बनाती हूँ। फ्राई करके हो गए, अब इसमें पानी डालूंगी, कोई कोई गरम गुनगुना पानी डालते हैं, मैं सादा पानी ही अपना रोज का डालती हूँ, फिल्टर पानी। अब इसमें थोड़ा नमक जाएगा, इसमें थोड़ी हींग डाला जाएगा, आप चाहे तो हींग डालो मत डालो, आपकी मर्जी, मगर मैं डाली हूँ जिससे अच्छे लगते हैं। अब इसमें सब अपने वड़े जाएंगे, इसको आधा घंटा पानी में रखूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं तैयार करती हूँ। अब पानी में से आधा घंटा हो गया, आधा घंटे में ही फूल गए, नहीं तो ज्यादा रखने का, एक घंटा रखने का। अब मैं सादा पानी ठंडा लेती हूँ, गर्म भी नहीं लेती, पता है, आप चाहे तो सोडा या बेकिंग पाउडर डालो, मगर मैं नहीं डालती, बिल्कुल कुछ नहीं डालती, क्योंकि तेल पी जाता है। अब बगैर बेकिंग पाउडर और सोडे से तली ना, तो तेल थोड़ा भी अंदर नहीं गया। अब मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। भाई इतना गाढ़ा है तो अब थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको पतला करूंगी, मगर मैं मिक्सी में नहीं लगाती, मिक्सी में एकदम ऐसा पतला पतला लगता होता है, अच्छा नहीं लगता उतना, और ऐसा आप घोटे ना तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगता है। आप चाहे तो पानी डालो ना डालो, मैं क्यों डालती हूँ, अपने बड़े अंदर से जूसी जूसी फिर अपने दही बल्ले बनते, अंदर चूस जाता है ना, बहुत अच्छे आए हैं। आप करो और कमेंट करके बताओ आपके कैसे आए। अब इसमें दही जाएगा, दही है ना पूरा अंदर जज्ब होता है, फिर रखी हूँ ऊपर से, जो खाएंगे वो लेंगे अपने अपने इस पर। अब इस पर चटनी जाएंगे, चाहे तो फिर अपन खाते वक्त तो कुछ चटनी वगैरह कम पड़ी तो लेने की। अब थोड़ा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये गर्मी के दिन में बहुत अच्छे, हल्के हल्के पेट के लिए। अब इस पर हरा धनिया मारूंगी, कुछ इसमें कम ज्यादा अपने पास हो तो चलता है, अच्छा लगता है फिर में।
अपने दही बल्ले हो गए। हाँ, बहुत टेस्टी रहते हैं और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम, रुई की तरह। आप करो और देखो आपको कैसे लगे, कमेंट करके बोलो। और सबके लिए दुआ करो, हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी सबों को दुआ में याद रखो। ना जाने कब किसकी दुआ कबूल होती है। अच्छे रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।